सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वेलकम टू जतिन ऑटो हेल्थ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। तो दोस्तों आज कोई ओनर रिव्यू नहीं लेंगे, ना ही किसी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे। जी हाँ, आज हम एक नई गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू आपके सामने रखेंगे। तो आपको पता होगा कि वेन्यू, जो कि एक टॉप सेलिंग टॉप थ्री में आती है जो कम्पैक्ट एसयूवी में, उसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है। तो हम शोरूम में गए, आपको पता मैं शोरूम में बहुत कम जाता हूँ, शायद मैं सेकेंड टाइम ही गया हूँ सिलेरियो के बाद। तो उसका हमने वीडियो शूट किया है। ये है पेट्रोल का 1.2 इंजन टॉप वेरिएंट एसएक्स, यही यार वहां पर खड़ा हुआ था। डीजल का हमें नहीं मिला, ना ही टर्बो इंजन का हमें वेरिएंट मिला। तो चलिए यार इस वेरिएंट को देखते हैं। सर आपको मतलब गाड़ी में क्या चेंज हुआ, कुछ लगा आपको? ठीक है, इंटीरियर वाइज तो ठीक गाड़ी लग रही है। चेंज हुआ ना इंटीरियर वाइज, ये डीकट नहीं था ना पहले, ओरिजिनल ने क्या चेंज कर दिया? मेरे को लगता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कुछ इन्होंने साइज इंक्रीज किया है, बाकी तो सेल्स में कर दिया नहीं तो। हां इंस्ट्रूमेंट डिजिटल कर दिया, साइज भी इंक्रीज हो गया इसका, साइज भी इंक्रीज हो गया इनका। देखो देखो आप, सनरूफ तो पहले भी था नहीं, वो म्यूजिक सिस्टम का कुछ लगा है ना। हाँ, कुछ चेंज है, चेंज हुआ है। बाकी आप जैसे आपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कर रखी है ना। हाँ, कंफर्टेबल। मेरे
मैं तो भैया एडजस्ट हो जाऊंगा मीडियम है स्पेस मतलब वो दिखा भरा भरा है पर कम है नहीं स्पेस गाड़ी में। रियर एसी भी मिल गया तो पहले भी आता था, यहाँ भी चार्जर दो चार्जर पॉइंट दे दिए, स्पीकर भी देखिए ये पहले ब्राउन कलर की ग्रे ब्लैक थे ना ये ब्लैक ये भी चेंज हो गए सही हो गया था। वायरलेस चार्ज तो पहले भी चाहिए। अच्छा ये एक नया फीचर आया इसमें, आर्म रेस्ट भी हो गया यार इसमें दो कप होल्डर के साथ। SX ऑप्शनल मिलेंगे, वन टच तो दे दिया उन्होंने, हाँ वन टच तो दे दिया। देखिए यहाँ पर लाइट भी दे दी, डोम लाइट जैसे डोम लाइट हो गया। फुल कवर नहीं करा इन्होंने, फुल है आगे वो रहा दे रहा 1.2 इंजन है यो टर्बो इंजन ना है काबा। इसकी रिप्लेसमेंट देखिए फ्यूल टैंक की, इसकी ये क्या है कूलेंट की, कूलेंट की इस तरफ दे रखी है। तो दोस्तों ये था SX का टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल, SX मॉडल टॉप एंड वेरिएंट है ये पेट्रोल का 1.2 का। तो मुझे तो यार पर्सनली कहूँ तो मुझे तो यार अच्छा लगा, खासकर इसका जो बैक प्रोफाइल थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो पुरानी वेन्यू थी अब पुरानी ही हो गई है, उसकी मुझे बैक प्रोफाइल से ही शिकायत रहती थी और मैंने कभी किसी ओनर का रिव्यू भी नहीं लिया था। हालांकि एक दो बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि पीछे से हैचबैक लगती थी, लेकिन इस पर होंडा ने यार वाकई अच्छा काम किया है और बैक प्रोफाइल मुझे बहुत बढ़िया लगी यार, शानदार लगी। आप भी बताना यार आपको कैसा लगा, कैसी इसकी फ्रंट का लुक लगा, कैसा इसका आपको बैक प्रोफाइल लगी, साइड का कैसा लगा, और कोई वेरिएंट अगर आप मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर इसका देखना चाहते हो तो यार कमेंट में बता देना, मैं उसका व्लॉग शूट कर लूंगा। क्योंकि अभी ओनर अभी गाड़ी धीरे धीरे बिकेगी, उसके बाद कुछ दिन चलाएंगे जब भी यार ओनरशिप रिव्यू लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यार नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।